ये सही से हुआ है ना? सामने देखो ये लड़की है, पूजा का फोटो। पिंटू बर्बाद हो और काम भी न हो, खत्म हो गया। कुर्सी स्लिप किया तो आप नीचे आ जाएंगे, हमारा ही वीडियो। तो दरवाजे का कितना खूबसूरत सा रेनबो है ऊपर देखो, अभी जस्ट बारिश हुआ है इसी कारण से सामने देखो रेनबो दिख रहा है। हमेशा तो मंगल बनाया करता था रेनबो पाइप से ऐसे उड़ा के, अभी ये देखो नेचुरल वाला है सामने। मुझे ना बहुत ज्यादा तेज भूख लगा है और अभी तक घर में खाना नहीं बना है, तो मैंने बोला मत बनाओ, अभी मैं बनाऊंगा मेरे लिए खाना। तो अभी मैंने सोया चंक और टमाटर ये सब भून लिया है, अब देखो यहाँ पे है इसमें चावल, अब हमारा चावल जाएगा कुकर के अंदर। मेरा खाना बन के तैयार हो चुका है, अभी देखो इसमें चावल है और यहाँ पे है प्याज जो कि मैंने छुप के काटा है। अभी चलो इसको ना टेस्ट करते हैं। मेरे हाथ का बनाया हुआ चावल बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैं टेस्टी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बनाया है, यह वाकई में बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो अभी आपसे मिलते हैं खाने के बाद। तो मैंने खा लिया मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना। तो खाना खाने के बाद मैं निकला बाहर थोड़ा सा घूमने, तो मैंने देखा मेरे सामने कोई तो है। सामने देखो ये लड़की है जो कि पूरी रात में, मतलब भरे रात में 9 बजे पेंट का काम कर रही है। क्या तुम सोने का बनना चाहते हो? मैं सोने का बनना नहीं चाहता, जो बनना चाहता है उसको बना दो। जैसे कि ये लकड़ी, ये स्कूटी, ये साइकिल, इन सबको तुम सोने का बना सकती हो और अपने आप को भी। पक्का? हाँ। मन तो करे तुम्हारा मुंह रंग दूं। नहीं मुझे नहीं, मेरे से कृपया करके दूर रहे और किसी और चीज से नजदीक जाए। तुम्हारे नजदीक जाने में ही भलाई है। नहीं नहीं, मेरे से थोड़ा देखा नहीं जा रहा, सोने का हो जाएगा तो देख भी पाऊंगी। तो नकली सोने का रहेगा बेवकूफ, असली सोने का थोड़ी होगा। तो संतुष्टि तो होगा कि मेरा भाई जो इतना बड़ा लफन। बस करो यार, मत करो यार, इतना रात में मत छेड़ो। इतनी रात में देखो ये लड़की छेड़ रही है मुझे, फिर मैं उठा के मोबाइल इसके मुंह पे दे दूंगा तो सब लोग बोलेंगे कि देखो देखो कैसा हरकत करता है। यार तुम पेंट करो, मैं जा रहा हूँ। अभी ये लड़की देखो पेंट कर रही थी, अभी घूमने लग गई। और वैसे ये जो भी दीवार आप देख रहे हो ना, इन दीवारों को अभी पेंट किया गया है। ये बहुत ही गंदा हो गया था दीवार, ये वैसे भी अभी भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले से ज्यादा बेहतर दिख रहा है। अभी इस लड़की को पता चला कायदे से किस चीज को गोल्डन में कन्वर्ट करना है, तो ये लड़की चली गई। अब ये गई है तो जरूर मैं भी जाऊंगा। अरे ये तो पहले से ही आधा गोल्डन हो चुका है, ये पहले से ही पेंटेड है, तुम इसको और पेंट क्यों करना चाहती हो? भाई अभी शायद वो वाला एरिया रगड़ा नहीं गया है। कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ सारा रगड़ा जा चुका है। एक्चुअली मुझे ही थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, पेंट चढ़ रहा है क्या इसके ऊपर? ये पेंट सूख भी गया यार, हमको लगा था कि बारिश है ना ये छूट जाएगा, लेकिन ये तो सूख गया। देखो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम है, दिन में तो रहेगा नहीं, कल उन लोगों को दिखाऊंगी ना जिन्होंने पेंट किया है कैसे करते हैं कंजूसी से पेंट वो लोग। ये दरवाजा बाहर से पेंट हुआ है या नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप देख के बताओ। ये सही से हुआ है ना? कर दे। नहीं नहीं भाई मुझे मत करो, ये बार बार लड़की मुझे ही पेंट करना चाह रही है, पता नहीं इसको मेरे सोने जैसे चेहरे से क्या प्रॉब्लम है। हम लोग कितने दिनों से प्लान कर रहे हैं कि अपने कैंपस में लाइट लगा लें, लेकिन किसी ना किसी कारण से पूरा ये हमारा जो प्लान है ना बर्बाद हो जा रहा है। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा लाइट लगवाएं, कैसा करें कि हमारा कैंपस रात में भी एकदम दिन जैसा चमके। इस पेड़ के ऊपर कोई तो जानवर है, पूरा पेड़ देखो हिल रहा है, वही वाला जानवर होगा जो आम और कटहल खाता है। इस खूबसूरत से फूल के ऊपर देखो पानी का ड्रॉप है। पूजा का दिमाग ना आज लगता है खराब हो चुका है, क्योंकि कब से ये पेंट किए जा रही है और अभी पता नहीं और कितने देर तक ये पेंट करने वाली है। खत्म हो गया मतलब पेंट का काम अब खत्म होगा पूरा। देखो ये तो पूरा कप ही खाली हो गया भाई, ये तो जितना पेंट था सब लगा दिया मैंने। चलो मतलब अब तो है उम्मीद कि अब पेंट का काम जो है पूजा के द्वारा बंद होगा। अच्छा ये नया पेंट किया क्या? ये नया है? हाँ ये तो नया पेंट लग रहा है, ये वाला पुराना है। अभी हमारे दरवाजे का लुक पूरा चेंज होने वाला है, लेकिन अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी पूरा होने के बाद और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। सबको खिलाफ था इस कलर के पीछे, सिर्फ हाँ, मेरे दम पे। हाँ भाई पूजा ना कब से बोल रही है कि गोल्डन करना है, हम लोग बोल रहे हैं नहीं 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 बहुत खराब लगेगा, लेकिन पूजा अड़ी रही और इवेंचुअली देखो रिजल्ट क्या है। मैंने बोला कि मेरा पैसा बर्बाद होगा लेकिन करो। अभी वैसे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने के बाद तो इसका लुक एकदम नेक्स्ट लेवल आने वाला है, वो तो अभी ही पता चल रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर के अंदर और काफी रात हो चुका है, तो चलते हैं सोने और आपसे मिलते हैं सीधा कल सुबह। गुड नाइट।
तो अभी सुबह हो चुका है और मेरे हाथ में है चाय हमेशा की तरह। और इधर का पूरा जमीन देखो, चारों तरफ गीला गीला हो चुका है क्योंकि कल हुआ है बहुत ही खतरनाक वाला बारिश। और यहाँ पे देखो हमारे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, टोटल 90,869। अभी भी 1,00,000 होने में ना लगभग 9,000 बाकी है। तो जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, आप लोगों को याद है ये वाला लैपटॉप हमने पूजा के लिए लिया था बहुत दिन पहले, लगभग 4-5-6 महीना पहले ये लैपटॉप हमने पूजा के लिए लिया था। और इस लैपटॉप को मैंने आज तक पूजा को यूज करने नहीं दिया, ये जब से लिया है तब से मेरे कमरे में ही रखा हुआ है। और ना एक और बात है, ये लैपटॉप पूजा ने भी यूज नहीं किया और हमने भी यूज नहीं किया, ये यूज ही नहीं हुआ है, बस ये ऐसे ही रखा हुआ है, बस ऐसे पड़ा रहता है, कोई नहीं यूज करता है इसको। आपने भी हमेशा वीडियो में नोटिस किया होगा कि ये बस यहीं पे रखा हुआ है, कोई यूज ही नहीं है। और देखो अभी भी यहीं रख दिया। मेरे कमरे में ना बहुत ज्यादा एको हो रहा है, इसको कैसे ठीक करूं समझ ही नहीं आ रहा यार। इस लैपटॉप का यूज देखो क्या हो रहा है, हमारा ही वीडियो देखने के लिए इस लैपटॉप का यूज हो रहा है, नहीं तो इसके अलावा इस लैपटॉप का कोई भी यूज नहीं होता है और कभी भी नहीं होता है। इसमें मैं कैमरा ढूंढ रहा हूँ, कैमरा तो कहीं मिल ही नहीं रहा। इसमें कैमरा है भी या नहीं है? ऐसे ना डायरेक्ट कैमरा नहीं खुलता है, अभी ना फेस टाइम खोला ना तब देखो कैमरा खुला। भाई ये देखो लैपटॉप में क्या मिला, पूजा का फोटो। ये तो पूजा पहचान में ही नहीं आ रही है। ये फोटो ना देखो 2020 का है, यहाँ पे देखो डेट लिखा हुआ है 2020 का ये फोटो है और ये खींचा मैंने अपने हाथों से है। तो अभी सुबह का वैसे कितना बज रहा है, तो अभी सुबह का लगभग 8 बज रहा है और अभी तक कोई नहीं उठा हुआ है और मैं सुबह 6 बजे से उठा हुआ हूँ और उस टाइम से वेट कर रहा हूँ, अभी तक कोई नहीं उठा। आजा आजा मेरे पास आजा। चोट लग गया क्या तुम लोगों को भाई साहब? फाइनली मुझे मेरा खाना मिल चुका है सुबह सुबह। मैं ना यहाँ पे आया था खटिया पे बैठ के खाने के लिए, लेकिन मुझे अचानक से याद आया कि यहाँ पे खटिया तो है ही नहीं और मुझे पूजा भी दिख गई यहाँ पे। सुबह सुबह ये लड़की उठ गई यार, मुझे लगा कि कोई नहीं उठेगा, लेकिन फाइनली 2.5 घंटे के इंतजार के बाद ये लड़की उठी है। आपको पता है कि शिवम पांडे सुबह क्यों उठते हैं? क्यों? खाने के लिए। सही बात है यार। खाना मेरी जिंदगी है और खाना मुझे बहुत पसंद है। अभी चलते हैं ये खाना खाने मेरे कमरे में, क्योंकि यहाँ पे तो खटिया है ही नहीं। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा दरवाजा रात पे पेंट हुआ था उसका कलर कैसा आया है। ये वही वाला फूल है जिसपे रात में ना वाटर ड्रॉप था, अभी भी देखो इस पे वही वाला पानी है जो मेरे हाथ के ऊपर आ गया। तो दरवाजे का लुक कुछ ऐसा आ रहा है, अभी भी अच्छे से ये पेंट हुआ तो नहीं है, अभी इस पे डबल ट्रिपल कोटिंग आने वाला है। अभी फिलहाल इसका ऐसा लुक आ रहा है, अंदर से ना वाइट वाइट अभी भी दिख रहा है, सफ़ेद काला सब दिख रहा है, और ये तो अच्छे से हुआ भी नहीं है, अभी इधर साइड से पूरा बाकी है। अभी सुबह का 9 बज रहा है और 9 बजे रामराज जी आ चुके हैं, चलिए चलते हैं और उनसे मिलते हैं। सुबह सुबह देखिए ये अपने काम में लग चुके हैं और जो दरवाज़ा पेंट हुआ है वो तो अच्छे से अभी तक नहीं हुआ है, उस पर और कोटिंग जाएगा ना, अभी तो बहुत जाना बाकी है। अभी भी आप वही कलर बना रहे हैं ना जो दरवाजे पे लगेगा? अच्छा, आपको पता है रात में पूजा ने पेंट किया है उसको, कुछ कुछ बचा हुआ था, पेंट भी बच के रखा हुआ था तो उसको पूजा ने पेंट किया है रात में। आपका काम थोड़ा आसान हो गया। चलिए किधर से किए हैं वो तो देखने पर, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी आप डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं ना? पेंट तैयार हो गया आपका? ये भी तैयार होना बाकी है। ले ले ले, डंडा गिर गया। चलो थोड़ा सा रुक के देख लेते हैं यहाँ पे कि ये किस तरह से पेंट कर रहे हैं। वैसे तो कल हम लोगों ने देखा ही था, लेकिन अभी आज दोबारा देख लेते हैं। हम ही किए हैं। अच्छा, ये आपने नहीं, आपने किया है? पूजा ने ये किया, ये सड़ा वाला जो है ना ये पूजा ने किया है। अच्छा। थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसने लेकर रगड़ दिया रात में, और ये वाला भी पूजा ने किया था। अब आप करिए बाकी का, देखिएगा गिरगिट है। आज सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही मॉडरेट सा है, गर्मी नहीं है आज, और इसका कारण बस कल का बारिश है। अगर कल बारिश नहीं हुआ होता तो आज शायद गर्मी होती बहुत खतरनाक वाली। इधर फूल वगैरह है, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। ये देखो ये कुर्सी लेके कहाँ पे जा रहे हैं, अब तो इनको फॉलो करना पड़ेगा। ये कुर्सी लेके जा रहे हैं गेट के ऊपर, गेट के पास, क्योंकि इनका हाइट नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, ऊपर वाले में ना पेंट करना है, तो ऊपर वाले में पेंट करने के लिए इनको चढ़ना पड़ेगा किसी चीज़ के ऊपर और फिर पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका हाथ तो पहुँचेगा नहीं वहाँ पे, वहाँ पे तो मेरा भी हाथ नहीं पहुँचेगा। देखिएगा संभल के, स्लिप किया तो दिक्कत हो जाएगा, कुर्सी स्लिप किया तो आप नीचे आ जाएंगे। अच्छी बात, अच्छी बात, ठीक है। क्या कह रहे हैं? नीचे भी आएंगे तो ठीक होगा, नीचे भी आएंगे तो ठीक होगा, ऊपर भी जाएंगे तो ठीक होगा। कुर्सी टूटा हुआ है और ये तोड़ा मंगल नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ये आपका वजन सह लेगा। वजन तो सह, क्योंकि टांग तो सब ठीक है ना, इसका ऊपर से टूटा हुआ है।
अभी आप अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं, अभी इनका जो बूस्टर है इस डब्बे के अंदर है, अभी ये खाने के बाद जो है पेंट करना शुरू करेंगे। अपने बिहार का ना ये सीन है, जितने भी लोग कुछ काम करने जाते हैं ना, वो पहले अपने आप को बूस्ट करते हैं इसी बूस्टर की मदद से और फिर काम करना शुरू करते हैं। अरे ये नया पेड़ यहाँ पे कहाँ से आ गया? ये तो कोई जंगली पेड़ लग रहा है, नहीं तो या फिर ये हर श्रृंगार का फूल है। ये मेरा फेवरेट फ्लावर है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये उसी का पेड़ है, क्योंकि इस तरह के पत्ते ना बहुत सारे पेड़ों के होते हैं। जंगली कुछ पौधे होते हैं उनके भी ऐसे ही पत्ते होते हैं। यहाँ पे गुलाब था वो गुलाब ख़त्म हो गया, और यहाँ पे कुछ फूल था वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन ये देखो अभी तक बरकरार है। एज आई सेड अर्लियर कि ये हमेशा टिका रहता है और ये बहुत लंबे समय तक टिकता है। पेंट करने से पहले सफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो धूल के ऊपर पेंट कर दोगे तो फिर वो बहुत ही खराब सा लगता है। हाँ वही तो, पेंट पकड़ेगा नहीं फिर। तो जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो अपने हाथ से अपने घर पे पेंट करना चाहते हैं, अपना दीवार पेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, ज़रूर ये फॉलो करना। पेंट करने से पहले जिस जगह पे आपको पेंट करना है उसको अच्छे से क्लीन करना, उसके बाद पेंट करना, नहीं तो वो पकड़ेगा नहीं। मैंने ये कैसे मिस कर दिया यार, यहाँ पे देखो कितने सारे पान के पत्ते हैं और सारा एकदम फ्रेश है, डिफेक्टेड एक भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा आप लोग ना मुझे एक बात बताओ कि आपको ज़्यादा अच्छा वीडियो यहाँ का लगता है, मतलब हमारे घर का वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या हम लोग कहीं ट्रिप वगैरह पे जाते हैं बाहर तो अच्छा लगता है? ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो शो प्लांट है ना, हर बार हम लोग घर के अंदर रखते हैं और हर बार पापा इसको पता नहीं क्यों बाहर ला के रख देते हैं। इसको लाने का मकसद था घर के अंदर रखने का, लेकिन ये अंदर कभी भी नहीं रहता है, हमेशा बाहर ही बैठा रहता है। सामने चिड़िया ना आम खा रही है, मतलब अपने कैंपस में अभी भी आम बचा हुआ है, लेकिन वो आम है कहाँ, हमारे आंखों से तो दिखता नहीं है, इन चिड़ियों को दिख जाता है या फिर गिरने के बाद दिखता है। सीरियसली हमको आम नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी कल परसों ना लास्ट आम दिखा था, उसके बाद हमको आम दिखा ही नहीं। तो देखते ही देखते यहाँ पे पेंट का काम शुरू हो चुका है इनके द्वारा, अभी ना ऊपर का पेंट हो रहा है, उसके बाद अच्छा आज ये पूरा गेट हो जाएगा कि नहीं होगा? चाहेंगे तो कि हो जाए। आप चाहेंगे कि हो जाए, अब देखना ये है कि होता है या नहीं। क्या कि पतला पतला रट है, इसको पेंट करना, पतले पतले को पेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, बारीकी से करना पड़ता है। बारीकी से करना पड़ता है, हाँ सही बात है। कि ऐसे ही चुगाते जाए पेंट को, कि पेंटो बर्बाद हो और काम भी ना हो। अच्छा आप काम मतलब फिनिशिंग से करते हैं ना, वैसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ वैसे भी आप मल्टी टैलेंटेड हैं, ये तो सच है भाई। तो अभी जाते हैं घर के अंदर और आपसे मिलते हैं कल। तो आज का हमारा ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त, आपसे मिलते हैं दोबारा कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।